एवरी वन वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश चैप्टर मैडम राइट्स द बस तो इस चैप्टर में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं एक गर्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वल्ली माई ठीक है और उसको शॉर्ट में हम इस चैप्टर में बोलेंगे वल्ली चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो देखो इस चैप्टर में क्या होता है एक बच्ची है जिसका नाम है वल्ली एट ईयर्स ओल्ड की है ये और ये बच्ची बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ठीक है बहुत क्यूरियस है अपने आस पास की चीज़ों को जानने में और ये जो है ना वल्ली वल्ली के अपने एज ग्रुप के दोस्त नहीं है जैसे हम छोटे थे ना जब मैं अगर अपने बचपन की भी बात याद करूं जब तो हम छोटे होते हैं तो रोज़ शाम को दोपहर में हमें खेलना होता है हम अपने फ्रेंड सर्कल में ना हमारे जो अपनी कॉलोनी के या अपने गली में हमारे जो बच्चे रहते हैं हम लोग सब ग्रुप बना के खेला करते थे छुपन छुपाई कभी बर्फ़ पानी आपके यहाँ पर भी होता होगा जब आप छोटे थे आप सब बच्चे मिलकर जो है पकड़म पकड़ाई छुपन छुपाई बर्फ़ पानी पता नहीं कितने अलग अलग से गेम्स हम बचपन में खेलते थे हर बच्चा ऐसे ही करता है बट ये जो वल्ली है गाइज़ ये एट ईयर्स ओल्ड है और इधर उधर की चीज़ों को जानने में बहुत इंटरेस्ट बट इसका जो है ना कोई दोस्त नहीं है अपने एज ग्रुप के तो वल्ली अपना टाइम पास कैसे करती है जब हम छोटे थे तो हम अपने टाइम पास के लिए क्या करते थे गेम्स खेलते थे शाम को अपने दोस्तों के घर गए दोपहर में जब घर में सब सो गए हैं तो अपने दोस्तों के घर जाते थे और कोई ना कोई गेम खेलते थे कभी इंडोर गेम कभी लूडो खेल लिया है ना और कुछ भी करते थे अपने दोस्तों के साथ बट वल्ली जो है इसके अपने एज ग्रुप के दोस्त नहीं हैं तो वल्ली अपना टाइम पास कैसे करती है देखो वल्ली का फेवरेट टाइम पास करना होता है वो अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है और घर के बाहर ना उसकी चलती हुई सड़क है बहुत ही बिजी स्ट्रीट है कभी ट्रैफिक जा रहा है कभी सामने से कोई लोग गुजर के जा रहे हैं तो वल्ली के पास जो है खेलने के लिए अपने एज ग्रुप के दोस्त नहीं थे तो वो हमेशा क्या करती थी जब भी वो फ्री होती थी टाइम पास उसे करना होता था तो वो अपने घर के बाहर का जो दरवाज़ा था वहां खड़ी हो जाती थी और वहां से बाहर की सड़क कुछ

उसके घर के बाहर से ना एक बस ट्रेवल करके जाती थी कस्बे होते टाउन, छोटे उनको कस्बा भी कह तो उसके विलेज से उसके गांव से एक बस जाती थी रोज कहां पे टाउन तक जाती थी और वो वाली के घर के सामने से निकलती हुई जाती थी तो उसको बहुत एक्साइटिंग लगता था हर बारी उस बस को अपने घर के आगे से जाते हुए देखना ठीक है तो ये आप देख सकते हो वली खड़ी है और ये बस है बस में पैसेंजर्स हैं तो वली को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगता था अपने घर के बाहर से बस को गुजरता हुआ देखते हुए तो बस जो थी दो बार निकलती थी उसके घर के सामने से एक बार जा रही होती थी जब टाउन और एक बार वापस आती थी ठीक है टाउन गई और टाउन से वापस आई हर बार बस में ना नए पैसेंजर्स होते थे जैसे कुछ लोग गए टाउन तक फिर वो वहीं टाउन में अपना काम वाम करने लगे और बाकी लोग बैठ के उस बस में आ जाते थे तो वो हमेशा बहुत ही मैंने बताया ना क्यूरियस बच्ची थी तो हमेशा बहुत खुश होती थी उसे बहुत इन्जॉयमेंट लगती थी कि अरे वाह अभी पहले कुछ और लोग गए थे अब कुछ और बैठ के आ गए हैं एवरीडे रोज बल्ली जो है दिन में जो है उन बस को जाती हुई देखती थी और उसको ना धीरे धीरे जब वो रोज़ देख रही है कि अरे बस निकल के जा रही है फिर नए लोग आ रहे हैं तो उसके मन में एक विश आ जैसे हम छोटी होती हैं हमारे को विश आती है ना अरे मुझे की बार बर्थडे पर बारबी डॉल खरीदनी है अरे मैं क्ले सेट खरीदूंगा अरे मैंने वो रिमोट कंट्रोल कार खरीदनी है हमारे बचपन में हमारी ये विश होती थी बट वल्ली के विश में क्या वल्ली के मन में क्या विश आई वल्ली के मन में ये विश आई कि मुझे बस की राइड करनी है जब आप वो रोज़ दोपहर में बाँ अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर स्ट्रीट देखती थी और रोज़ देखती थी बस जा रही है टाउन तक फिर वापस आ रही है तो उसके मन में एक छोटी सी विश आ जाती है कि मुझे भी बस की राइड करनी है और धीरे धीरे वो विश एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन जाती है ओवरवेलमिंग डिज़ायर मतलब चाहत बन जाती है जैसे हम ना मुझे बार भी चाहिए मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए मेरे बर्थडे से पहले ही चाहिए बचपन में नहीं हो जाते थे हम अब तो चाहिए वैसे ही अब वल्ली के मन में छोटी सी विश आती है कि काश मैं भी किसी दिन या बस में जाऊं और धीरे धीरे वो उसकी ओवरवेलमिंग डिजायर बन जाती है कि उसको भी जो है क्या करना है उसे बस में घूमने जाना है तो वल्ली जो है काफ़ी देर तक वहाँ जो है बस को रोज़ देखती थी देखती थी कि कैसे जो है लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और उसके मन में अपने होप्स और डिज़ायर्स आते रहते थे कि काश मैं भी एक दिन ऐसे ही बस में जो है वो घूमने जाऊँ अब पता है कभी कभी ऐसा भी होता था कि वल्ली के कोई फ्रेंड हो गए कुछ फ्रेंड्स तो होंगे ही अपनी एज ग्रुप वाले नहीं तो कोई तो होंगे बुक में बताया गया कि वली का अगर कोई फ्रेंड अगर अभी कभी उसे कहता था ना कि वो घूमने गए हैं बस में अपने पेरेंट्स के साथ टाउन तो वो जेलेस हो जाती थी सुन के क्योंकि वो तो अभी तक बस में बैठी नहीं है और उसको कोई उसके फ्रेंड अगर बोल देता था कि मैं टाउन में घूमने गई हूं तो वो जेलेस हो जाती थी और बोलती थी, थी प्राउड अब ये वली प्राउड प्राउड क्यों बोलती है गई इस जेलेस ही में बोलती है वली प्राउड प्राउड तो जो वल्ली है ना और ना ही उसकी दोस्तों को उनको प्राउड का मतलब नहीं पता है वो बस अपने स्लैंग एक्सप्रेशन की तरह प्राउड को यूज़ करते हैं स्लैंग एक्सप्रेशन जैसे हम अपने दोस्तों में क्लोज फ्रेंड सर्कल में हमारी कुछ ना कुछ लाइन होती है ना चल भाई चल रहे हैं अरे बहन देख ले ऐसे कुछ जैसे हम बोलते हैं ना प्यार से अपने दोस्तों से वैसे ही प्राउड प्राउड इनका एक स्लैंग एक्सप्रेशन है डिसअप्रूवल शो करने के लिए यानी कि अगर किसी की बात ना सुनी हो ना प्राउड प्राउड ऐसे बोल के वल्ली चली जाती थी और वल्ली प्राउड प्राउड क्यों बोलती थी वो जेलेस हो जाती थी उसकी दोस्त घूमो माई टाउन बस में वो तो गई नहीं अभी तक तो जेलेस होकर वो प्राउड प्राउड बोलती थी और ना ही वल्ली को प्राउड का मतलब पता था ना उसकी दोस्तों को पता था ठीक है तो अगर एग्जाम याद रखना है, तो है, है तो अब देखते हैं वल्ली कैसे प्लानिंग करती है तो वल्ली ना धीरे धीरे अपना एक मिशन बनाती कि वो जाएगी बस की राइड पर तो अब उसको बस की राइड पर तो जाना था तो भाई उस बस की राइड के लिए इन्फॉर्मेशन भी तो गैदर करनी थी कि कितने समय बस निकलेगी शहर से गांव से गांव में रहती थी, थी ना वो शहर पे कितने बजे पहुंचेगी पैसा कितना लगेगा बस में अगर उसे बैठ के जाना है तो टिकट खरीदनी पड़ेगी फेयर देना पड़ेगा तो वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर देती है वो हमेशा मतलब काफ़ी दिनों तक काफ़ी महीनों तक वली ने क्या करा अपने आस के लोगों में जिसको उसको पता था कि ये बस में बैठ के जाते हैं शहर उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया जब वो बस में लोगों को उतरते हुए देखती थी उनकी बातों को भी उनने शुरू कर दिया सुनना कि पता लगाऊँ ये बस जो है कहाँ जा रही है कहाँ से आ रही है और केयरफुल क्वेश्चन छने शुरू कर दिया अपने जिसका उन उसको पता था ना कि अच्छा ये बस की राइट पे जाते हैं उनसे केयरफुल क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए कि जिससे वो पता लगा पाए कि बस कितने बजे निकलती है ऑल दैट तो वो स्मॉल डिटेल्स जो है गैदर कर लेती है अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्या, क्या क्या डिटेल्स वो गैदर करती है तो पहली डिटेल वो गैदर करती है कि उसे पता चलता है कि जो टाउन है जो शहर है वो छः माइल्स अवे है उनके विलेज ठीक है और फेयर का एक बारी जाने का फेयर मतलब किराया जितना लगता है ना बस में बैठ के जाने का आपकी टिकट कितने की आती है तो एक बारी जाने का तीस पैसा लगता है ठीक है पुराने ज़माने की है ये पैसा पैसा लगता था एक बार ही जाने का यानी कि अगर आपको बस में बैठ के विलेज से टाउन जाना है तो आपको थर्टी पैसे देने होंगे ठीक है यानी कि किराया या फिर कुछ भी आप कह सकते हो वो थर्टी पैसा था अब वो सुनती है एक वेल ड्रेस्ड मैन के आ, कह रहे होते हैं यानी कि एक अंकल को वो कहते हुए सुनती है कि अरे बस तो सस्ती है बस तीस पैसे में हमें टाउन तक पहुंचा देती है तो वो ये बात सुन के वाली बहुत हैरान हो जाती है गाइस क्यों हैरान होती है क्योंकि उसके लिए थर्टी पैसे गाइज बहुत ज़्यादा थे इट वॉज नेक्स्ट टू अ फॉर्चून देखो यहाँ पे लिखा है सीम्ड अ टू मतलब बहुत ज़्यादा पैसे तो आप खुद कंपैरिजन कर लो एक अंकल हैं बड़े ठीक है उनको लग रहा है कि चलो तीस पैसे ठीक है क्योंकि गाइज वो अपनी अर्निंग करते होंगे तो उनको थर्टी पैसे सस्ता लग रहा है कि ठीक है स थर्टी पैसे में हम टाउन पहुंच जाते बट वल्ली तो एक छोटी सी बच्ची है उसको तो अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती होगी तो उसको लग रहा था अरे थर्टी पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं मैं कैसे इकट्ठे करूंगी बट फिर भी वल्ली अपनी प्लानिंग में स्टार्ट हो जाती है कि कैसे वो जो है ट्रिप टू टाउन को एग्जीक्यूट करेगी तो वाली बहुत डिटेल्स जो है है वो पता लगा लेती अबाउट द ट्रिप टू टाउन तो उनको हम हाईलाइट करके एक बार डिस्कस करते हैं तो वल्ली पता लगाती है कि जो बस है बस जो है टाउन तक जाने में शहर तक जाने में 45 मिनट्स लेती है कितने मिनट में पहुंचाती है बस शहर पे 45 मिनट्स में पहुंचाती है और फिर वहां रुकती है और फिर वहाँ से वापस आ जाती है वापस आने में भी 45 मिनट्स लगते हैं अब जब वली वहाँ जाएगी तो पहली बारी में उसे 30 पैसे देने पड़ेंगे और वापस आना होगा तो 30 और देने पड़ेंगे यानी टोटल में वली को 60 पैसों की ज़रूरत थी अगर वो चाह रही है कि इस बस में बैठ के चली जाऊँगी और फिर इसी बस में बैठ के अपने विलेज वापस आ दूँगी तो उसे साठ पैसे की जरूरत है दोपहर तो में एक बजे जो है बस उसके गाँव से चलेगी और वन फोटी पे जो बस है वो शहर पहुँच जाएगी ठीक है और फिर वापस जो आएगी उसमें सेम टाइम लगेगा 45 मिनट्स वापसी पे भी लगेंगे एंड बाय 245 वो अपने घर पे यानी कि अपने विलेज पहुंच सकती है आराम से तो वल्ली जो है अपने माइंड में प्लानिंग करना शुरू कर देती है प्लान करती है री प्लान करती है कैलकुलेट करती है टाइम कि अच्छा अगर मैं घर से इस समय निकलूंगी तो वहाँ शहर पहुँच जाऊँगी तीस पैसे मुझे जाने देते पड़ेंगे और फिर वापसी पे तीस पैसे की टिकट और खरीदनी पड़ेगी टोटल सिक्सटी पैसे मुझे चाहिए और मैं जो है बस में घूम आ सकती हूँ तो वली प्लान हर विजिट टू द टाउन और वो सिक्सटी पैसे सेव करती है और फाइनली एक दिन डिसाइड करती है कि मैं बस में घूमने जाऊँगी तो लेट्स सी अब हम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गया कि वल्ली जो है अब बस में बैठ के घूमने जाएंगे तो वन फाइन स्प्रिंग डे एक दिन दोपहर में जो है वल्ली जो है डिसाइड कर चलो अब मैं बस की राइट पे चलती हूं तो बस जो है बिल्कुल निकल ही रही थी हाईवे की तरफ जाने ही वाली थी ठीक है मेन हाईवे की तरफ की छोटी से प्यारी सी आवाज आती है स्टॉप द बस स्टॉप ठीक है स्टॉप स्टॉप द बस तो एक छोटी सी आवाज़ आती है और एक छोटे सा हाथ ऐसे खड़ा होता है कि अरे बस रुको अरे बस रुको बस रुको तो बस के जो कंडक्टर हैं वो जो है धीरे करते हैं बस को ठीक है और बोलते हैं अरे जल्दी बताओ कौन है किसको जाना है बस में जल्दी आओ तो वल्ली बोलती है आई एम हु हैज टू गेट ऑन मुझे जाना है बस में तो कंडक्टर कहते हैं ओ रियली यू डोंट से सो तो भाई कंडक्टर हैरान ये छोटी सी बच्ची आज साल की ये का बस में अकेले जाने वाली है तो वो कहते हैं अच्छा तुम कह रही हो तो वली कहती है हाँ मुझे सिंपली जो है टाउन जाना है और बस के बाहर खड़ी होती है और ऐसे पैसे दिखाती है ये मेरे मनी है और मुझे टाउन जाना है शी शोड हिम सम कॉइंस ठीक है तो कंडक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है बट सबसे पहले बस में आ तो जाओ तब आप चलना हमारे साथ में ठीक है बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस तो वो जो जो है वली को हेल्प करने के लिए अपना ऐसे हैंड देते हैं कि वली जो है उनका हाथ पकड़ के बस में चढ़ जाएगी छोटी सी बच्ची है वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो वली कहती है वर माइंड वो उनका हेल्प नहीं लेती है ठीक है नेव आई कैन गेट ऑन बस माई सेल्फ यू डेंट है वली जो है इस लोक कितनी छोटी बच्ची है ये एट इयर्स की बट ये अपने आप को वहाँ पे बच्चा प्रिटेंड नहीं कर रही है शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है मैं अपने आप बस में जो है चढ़ जाऊँगी तो कंडक्टर जो थे वो एक जॉली सॉट ऑफ पर्सन थी यानी कि बहुत ही खुश मिसाज से आती है काफी जोक जोक्स तो, करते रहते थे तो वो कंडक्टर आप पता है वली को कहते जब वली ने कहा नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए मैं अपने आप चढ़ जाऊँगी बस में तो वली को कहते अरे मैडम गुस्सा मत हो आप हमारे से ये लीजिए आप इस वाली ये जो फ्रंट सीट है आप यहाँ बैठी और फिर सबको बस में बोलते हैं एवरीबडी मेक वे फॉर मैडम मैडम के लिए जगह बनाओ मैडम के लिए जगह बनाओ मैडम

वो अपनी सीट पे जाके जो है बैठ जाती है और अब कंडक्टर उसको पूछते हैं मे भी स्टार्ट ना मतलब देखो आप कंडक्टर कितने जॉली हैं वो अब वो वली से पूछते हैं जब वली आराम से बैठ जाते हैं कि मैडम चलाएं हम बस चले और फिर वो दो बार विसिल करते हैं सिटी बजाते हैं और बस जो है चलने लगती है बिल्कुल न्यू अब... थी गाइस और बाहर से वाइट एंड ग्रीन कलर की बस थी ये वाइट प्लस ग्रीन स्ट्राइप्स थी बस के ऊपर एंड अगर हम बस के इनसाइड की बात करें तो बस में इनसाइड में जो रॉड्स थी वो सिल्वर कलर की थी और बहुत शाइन कर रही थी विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी क्लॉक थी और बहुत जो बस थी न्यू थी तो उसकी जो सीट्स थी वो बहुत लग्जूरियस लग रही थी किसको हमारी वली को यानी कि काफ़ी अच्छी बस थी वो न्यू थी तो वली जो है अब जो है वहाँ जाती है बस में अपनी सीट पर बैठ जाती है और बाहर देखना स्टार्ट करती है जब वो बाहर दिखती है तो वाइज बस में ना एक ब्लाइंड लगा होता है कैनवस ब्लाइंड यानी कि एक पर्दा टाइप आप समझ लो हुआ था वहां खिड़की पे तो उसकी वजह से वली को दिख नहीं रहा था तो उसका व्यू कट हो रहा था तो वो अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है और फिर बाहर देखना शुरू कर देती है तो आप समझ लो हाफ में शायद वो पर्दा टाइप लग रहा हो तो वली देख नहीं पा रही थी बैठकर तो वो खड़ी हो जाती है अपनी सीट पर और फिर आउटसाइड देखने लगती है विंडो के बाहर देखने लगती है वो क्या देखती है विंडो के बाहर सबसे पहले हमें व्यू फ्रॉम बस दिखा रखा है तो गाइस क्या थी एक कनाल जा रहा था और कनाल के बाद में बहुत सारा ग्रास लैंड था पाम के ट्रीज थे टूर नहीं है ये पाम के ट्रीज थे और काफी सुंदर सा लैंडस्केप था पाम ट्रीज के बाद ग्रास लैंड थे ग्रास लैंड के बाद डिस्टेंट में दूर कहीं पहाड़ दिखाई दे रहे थे और पहाड़ों के ऊपर ब्लू ब्लू स्काई था तो ये एक साइड का सीन बताया गया एक साइड पे क्या था कैनाल था उसके बाद पाम ट्रीज थे ग्रासलैंड था डिस्टेंट माउंटेन्स थे और फिर ब्लू ब्लू स्काई था और अगर हम अदर साइड की बात करें दूसरी वाली साइड की बात करें तो वहां पे एक डीप डिच थी डिच क्या होता है गड्ढा बना दिया गया होता है पानी के लिए तो एक डिच थी और काफी एकड़स ऑफ ग्रीन फील्ड थी तो बहुत बड़ा फार्म था खेत ही खेत थे तो खेत के पास में गड्ढा बना दिया जाता है जिससे वहां से पानी ले लिया जाए और बहुत दूर तक जो है ग्रीन ग्रीन फील्ड थी अब वाली जो है लैंडस्केप को व्यू को एंजॉय कर रही होती है कि उसको जो है पीछे से आवाज आती, आती, like तो आती है अरे बच्चे तुम ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए तो वो, वो बड़े अंकल की आवाज होती है कि वो वो आवाज लगाते हैं आउट ऑफ कंसर्न लगाते हैं क्योंकि वल्ली बस में खड़ी हुई थी और बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी और आपको पता है बस में खड़े होने से डर होता है क्या की अगर एकदम से बस ने ब्रेक मार दी तो आप गिर सकते हो अगर यू आर स्टैंडिंग

तो आप जो तो जब वली ये कहती है गाइस तो हमारे कंडक्टर जी आप कंडक्टर जी तो बहुत जॉली पर्सन है जोक करते रहते हैं तो आप कंडक्टर जी कहते हैं अरे सर दिस इज अ ग्रोन अप मैडम ये तो हमारी ग्रोन अप मैडम है आपको क्या लग रहा है कि एक छोटी सी बच्ची अपना खुद का फेयर दे सकती है पे कर सकती है थर्टी पैसे नहीं ना ये ग्रोन अप मैडम है तो आप वली क्या ना गुस्से में देखती है ऐसे कंडक्टर को और कहती है आई एम नॉट अ मैडम मुझे आप मैडम मत बोलो एंड रिमेंबर आपने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है और वो ऐसे बोलती है ना आई एंड रिमेंबर तो जो है आप कंडक्टर आपको पता है वो बहुत जोकिंग है यानी कि बहुत जॉली है और जोक्स करते रहते हैं तो वो वली को कॉपी करते हैं जैसे वली ने बोला ना रिमेंबर यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट तो वो वैसी वही

बेटा अगर आप खड़े हो गए तो आप गिर सकते हो और आपको जो है चोट लग सकती है तो दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड अब जब कंडक्टर uh, भी उसे चाइल्ड बोलते हैं तो फिर वली आप देख रहे हो यहाँ पे वली अपना को चाइल्ड नहीं बोलने दे रहे तो फिर से वली कहती है आई एम नॉट अ चाइल्ड एट चाइल्ड यू शी सेटेट इिरीटेट होकर कहती है आप मुझे चाइल्ड मत बोलो आई एम एट ईयर ओल्ड मैं एट ईयर क्यों मैं चाइल्ड नहीं हूँ बच्चे नहीं हूँ बच्चे ऐसे ही करते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं वो खुद को बड़ा समझते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तो इतने ईयर्स के हैं हम ट्वेल्व के हम तो एट के हैं नाइन के है तो वली है आई एम नॉट अ चाइल्ड आई एम एट ईयर्स ओल्ड तो जो है आप कंडक्टर कहते हैं ऑफकोर्सकोर्स हाउ स्टूपेड आए हैं मैं भी कितना स्टूपेड हूँ एट ईयरस ओल्ड क्यों आप बच्चे थोड़ी हो अब जो है बस रुक जाती है और बस में नए पैसेंजर्स आने शुरू हो जाते हैं अब वल्ली डर जाती है कि अगर कोई पैसेंजर मेरी सीट ना ले लें तो डर के मारे वो बैठ जाती है तो यहाँ आप देख रहे हो कि वल्ली पहले नहीं बैठ रही थी जब उसे सब समझा रहे थे बेटा बैठ जाओ नहीं जब उसने देखा अरे कहीं नया कोई पैसेंजर आके मेरी सीट ना ले ले तब वो बैठ जाती है आप जाते हैं और वली के बराबर में आके एक लेडी बैठती है ठीक है एक वुमेन बैठती है तो वो जो लेडी थी वली को अच्छी नहीं लगती है क्यों क्योंकि एक उनके जो कान थे गाय उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स रखे थे और उन्होंने अगली इयर पहन रखे थे प्लस वो जो लेडी थी वो बीटल च्यू कर रही थी यानी कि सुपारी च्यू कर रही थी तो उसकी स्मेल आ रही थी वली को और किसी भी समय उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो बीटल जूस था वो आंटी जो है उनके लिप्स पर स्पिल हो सकता है तो इसलिए उसे वो आंटी जो है अच्छी नहीं लगती लेडी जब वली के पास आके बैठती है तो देखो वली क्या सोचती है खुद भी सोच ले

अब जैसे कंडक्टर बीच में बोलते हैं तो और कंडक्टर भी वीज उन्हें छोटी सी बच्ची जो है अकेले ट्रैवल कर रही है और वो वली से क्वेश्चन पूछने लगते तो तुम्हें पता है तुम्हें कहां जाना है टाउन में किसके घर जाना है कौन सी गली में जाना है एंड ऑल दैट तो वली उन्हें कहती है मेरी चिंता मत करो मैं अपनी चिंता खुद कर सकती मत करो मैं अपनी चिंता खुद कर लूंगी और वली जो है इंटरेस्टेड नहीं आंटी से बात करने में तो वो जो है विंडो से बाहर देखने लग जाती अब यहां पे जो है गाइस हमें बता रखा है कैसे वली ने जो है सिक्सटी पैसे जो है इकट्ठे करे थे फॉर बस राइड अब वो इमेजिन कर रही होती है और हमें यहां बताया गया है हर फर्स्ट जर्नी केयरफुल एंड उसके लिए उसकी जर्नी को प्लान करना और पेंस् स्टेकिंग भी था पेंसटेकिंग क्यों था क्योंकि गायज उसने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए उसको ये पैसे बचाने के लिए अपनी सारी विशेज जो थी उनको पूरा नहीं कर पाई वो जब भी उसके पास पैसे होते थे तो उसे रजिस्ट करना पड़ता था ना ही वो कोई पेपरमेंट खरीदती थी ना ही वो कोई टॉय खरीदती थी बलून नहीं खरीदती थी और उसने इतने सारे पैसे सिक्सटी पैसे सेव करे तो उसने अपने पॉकेट मनी में से पैसे सेव करते अब हमें पॉकेट मनी मिलती थी तो हम चिप्स चॉकलेट खरीद लेते थे बट वल्ली को अब जब बस राइड के लिए पैसे जो है इकट्ठे करने थे तो वो चिप्स चॉकलेट नहीं जो भी वो खाती थी पेपरमेंट टॉयज बलून कुछ भी नहीं खरीदती थी और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट उसके लिए था एक दिन वो विलेज के मेले में गई थी वहां पे मेरी गो राउंड एक गोल गोल वाला झूला होता है तो उसका बहुत मन था उस झूले पर जाके बैठना बट वो झूले पर भी नहीं बैठती क्योंकि उसे पैसे सेव करने थे एंड आफ्टर शी हैड है ऑफ मनी सेव्ड हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस तो ये पूरी प्लानिंग बता रखी है बदली की कि उसने कैसे प्लान करा पहले तो पैसे बताए इतनी मुश्किल से अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि घर से बाहर कैसे निकले किसी को बिना बताए इतनी देर के लिए है. तो वो प्लान करती है कि वो अपनी मम्मी की नॉलेज के बिना कब जा सकती है जब दोपहर में जो है उसकी मम्मी नैप लेती है अब कई बार हमारे यहां कि दोपहर में हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं तो वल्ली की मम्मी भी जो है दोपहर में खाना खाने के बाद नैप लेती है एक से चार का दोपहर के एक से चार बजे तक का ठीक है तो उस समय में वो डिसाइड करती है कि उस समय में मैं जो है जा सकती हूँ बस की राइड पे एंड यूजुअली यही वो टाइम होता था एक से चार का जब उसकी मम्मी सो रही होती थी वो घर के डोरवे में खड़ी हुए जो है देखती रहती थी स्ट्रीट को क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे कभी कभी वो विलेज में भी बाहर घूमने चली जाती मम्मी सो रही है बाहर गाँव में घूमने चली जाती थी बट अब वो प्लान करती है कि अब वो गाँव से बाहर घूमने जाएगी तो आपको समझ में आ गया कि वली किस समय अपने घर से बाहर गई है तुम भी अभी तक सोच रहे होगी कि ऐसे कैसे वल्ली बिना बताए किसी को अपने घर से बाहर चली गई तो वल्ली की मम्मी जब एक से चार

नीचे वाले लोग जो हैं या नीचे से अगर कोई गाड़ी के जा रही है वो काफी नीचे लगती है हमारे को तो वल्ली को ऐसा लगता है देखो यहां लिखा है दैट गॉबलिंग अप लिखा है ना या समटाइम्स द बस सीम ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अपना द विकल ऐसा उसे लगता था गॉबलिंग अप मतलब खा जाना उसे ऐसे लगता था कि ऐसा ना हो किस जो है इस व्हीकल को खाई जाए बट ऐसा कुछ होता नहीं था बस उन सबको पास ऑन कर जाती थी स्मूथली अब धीरे धीरे जो है उसे ट्रीज आती जब आप देखते हो बस में हमेशा क्या होता है यार हम कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रीज ऐसे हमारे साथ भागते हुए दिखाई देते हैं तो वो चीज़ को भी वो नोटेस्ट करती है गाइज एंड फाइनली जो है वल्ली जो है एकदम से अपने हैंड्स क्लैप करने लगती है बहुत खुशी में ग्ली लिखा है ना बहुत खुशी में अपने हाथ को क्लैपिंग करने लगती है क्यों देखो छोटी सी बच्ची है वो क्या देखती है एक काव होती है वो सड़क के बीच में जो है कूद रही होती है भाग रही होती है और उसकी हवा जो में जो है टेल होती है देख रहे हो आप टेल हाई इन द एयर एंड वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड रोड के बीच में जो है एक गाय जो है आ जाती है और वो कूद रही होती है तो वली को ये काफी फनी सा लगता है और वो खुशू के हंसने लगती है अब जो बस का ड्राइवर है वो बस को धीरे कर देते हैं और जो है हॉर्न मारते हैं कि जो गाय है वो रास्ते से हट जाए अब हॉर्न की आवाज़ सुन के जो है वो गाय डर रही तो गाय ये सब देख कर वली को बहुत फनी लगा आप देखिए बस का सीन देख लो ये बस है सामने गाय जो है डर रही थी बस का हॉर्न बसने

होता है हमें वेट करना होता है जब तक ट्रेन निकल के नहीं जाती हमें खड़ा होना होता है तो ऐसी जो है बस रुक जाती है सामने से ट्रेन निकल के जाती है एंड यू नो जब ट्रेन निकल के जाती है पहले तो छोटी सी लगती है फिर बहुत बड़ी सी ट्रेन हमारे सामने से जाती है और बहुत शेकिंग होती है ग्राउंड पर जब ट्रेन निकल के It जाती है बहुत रोर एंड राटल होती है बस शेक होती है जब पूरी ट्रेन वहां से निकल के जाती है एंड देन जो है बस उनकी फिर से चलनी शुरू कर देती है बस ट्रेन स्टेशन को भी पास करती है और बहुत सारी बिजी बिजी स्ट्रीट्स आनी शुरू होती है मतलब अब वो शहर के काफी करीब आ गए हैं तो बिजी शॉपिंग स्ट्रीट्स यानी कि बाजार लगे होते हैं एंड फिर वो एक बहुत ही बिजी रोड पे आ जाते हैं एक पब्लिक रोड होती है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ पे कपड़े टंगे होते हैं बहुत सारी मर्कन्डाइज मतलब कपड़े होते हैं और बहुत क्राउडेड एरिया में आ जाते हैं तो अब आप यहाँ पे समझ जाओ कि गली जो है बिल्कुल शहर पहुँच ही गई है स्ट्रक डम विद वंडर वली गिव जैट एवरीथिंग अब वली तो ऐसे देख रही थी डम विद वंडर मतलब ऐसे देख रही थी शहर को वो शहर पहुंच ही गए थे आप समझो इतनी बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें, अच्छे अच्छे कपड़े कलरफुल चीज़ें इतने सारे लोग सड़कों पर विलेज में इतनी भीड़ नहीं होती है शहर में बहुत भीड़ थी तो वो सब कुछ देख रही थी और बस जो है रुक जाती है फाइनली एंड सब लोग जो है उतर जाते हैं बस में से अब सारे पैसेंजर्स बस में से उतर जाते हैं बट हमारी वली जो है बस से नहीं उतरती तो है hey lady, lady, तो कंडक्टर कहते हैं पैसा. फाइनली अब बस पहुंच गई है शहर सारे पैसेंजर उतर गए बट वल्ली नहीं उतरी तो अब कंडक्टर जी वल्ली को कहते हैं कि आपको नहीं उतरना है क्या थर्टी पैसे में आप यहीं तक आ सकते हो इस टिकट पे हम आपको यहीं तक ला सकते थे तो वल्ली कहती है नो no. आई एम गोइंग बैक इन द सेम बस नहीं नहीं मैं तो इसी बस में बैठकर वापस जाऊंगी और वो अपनी पॉकेट में से तीस पैसे और निकालती है और कहती है ये लो पैसे और मेरे को जो है मेरी टिकट दे दो तो तो कंडक्टर पूछते हैं वाई इज समथिंग द मैटर क्या कोई मैटर है इस वजह से तुम नहीं जा रही हो बाहर घूमने तो वो कहती है नो नथिंग इज़ द मैटर कोई मैटर नहीं है मैं तो बस बस की राइड लेने आई थी इसी बस में बैठ के अब अपने घर चली जाऊंगी तो आप कंडक्टर पूछते तो मैं घूमने नहीं जाना नीचे शहर घूम लो आप इतनी दुकानें हैं देख लो तो वल्ली कहती है ऑल बाय myself, सेल्फ आई वुड बी मच अफ्रेड टू डू दैट तो अब देखो आप पहली बार वली ने कहा कि मुझे डर लगेगा वली कहती है ऑल बाय माई सेल्फ मैं अकेली बाजार घूमने चली जाऊँ नीचे नो मुझे बहुत डर लगेगा तो ग्रेटली एम यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग तो आप जो है कंडक्टर हैरान हो जाते हैं थोड़े से क्यों क्योंकि वो वही बच्ची है जो अकेले बस में घूमने आ गई है बट जो है नीचे शहर घूमने नहीं जा रही है तो आप यहाँ समझ सकते हो कि वली समझदार है वो बस की राइड लेने तो आई है अगैस बट वो अकेले शहर नहीं जा रही क्योंकि उसे पता है वो खो सकती है अकेले वहाँ पर तो इसलिए वो बस में ही बैठी रहती है तो कंडक्टर कहते हैं बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस तो अकेले बस में आने में तो नहीं डरी तो वल्ली कहती है नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट बस में अकेले आने में क्या डरूँ मैं उसमें कोई डरने की बात नहीं बट तो मैं अकेले शहर घूमने नहीं जाऊँगी वेल देन वाई नॉट गो टू द दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक तो अब जो है कंडक्टर सोच रहे हैं कि अब जब बच्ची यहाँ तक आई गई है तो थोड़ा घूम ले शहर को भी और उसे कहते हैं कि जाओ तुम वहाँ उस स्टॉल पर जाके कोल्ड ड्रिंक पी लो तो वल्ली कहती है नहीं nah, मैं वो नहीं कर सकती हूँ मेरे पास पैसे भी नहीं और मुझे डर भी बहुत लगता है एक तो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए पैसे भी नहीं और मुझे डर भी लगता है मैं अकेली वहाँ जाके नहीं पीऊँगी तो जो है कंडक्टर इतने अच्छे हैं वो उसे ऑफर करते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक कोल्ड्रिंक लेता हूं मेरी तरफ से ट्रीट तो मुझे पैसे देने की भी जरूरत नहीं है तो वल्ली जो है देखो कोल्ड ड्रिंक पीने से भी मना कर देती है बहुत समझदार है वल्ली वो गई तो है घूमने बिना किसी को बताए बट वो समझदारी से चल रही है ना ही वो अकेले शहर घूमने गई और ना ही उसने कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट करी फ्रॉम द कंडक्टर उसने कहा नहीं मुझे नहीं पीनी तो कंडक्टर और जो वल्ली है अब वेट करते हैं कुछ देर वेट करना पड़ता है और फिर नए पैसेंजर्स आते तब बस वापस निकलती उसके विलेज के लिए अब जो है जब वो बैठे हुए हैं तो अब कंडक्टर पूछते हैं वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी आज़ द कंडक्टर और उसको जो है उसकी नई टिकट दे देते हैं वापसी की टिकट तो वल्ली कहती है नो वन विल बी लुकिंग फॉर मीडिया ये कोई वेट नहीं करोगे एंड फाइनली बस दोबारा चालू हो जाती है ठीक है अब बस वापस जाएगी वल्ली के विलेज ठीक है तो अब जब वली के विलेज में वापस जब बस जा रही थी तो फिर से वल्ली उसी एक्साइटमेंट के साथ अब रास्ता तो वही होगा ना सेम वही वही जगह आएंगी बट वो सेम एक्साइटमेंट के साथ उन सब जगहों को देख रही थी बट सडनली गाइज वल्ली एकदम शॉक हो जाती है उसको क्या दिखता है एक यंग काओ एक छोटी सी काओ एक गाय थी वो रोड के साइड में डेड थी मरी हुई थी ठीक है और वो देख वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है उस काओ को किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने टक्कर मार दी थी और वो गाय उससे मर गई थी तो वल्ली जो है पूछती है गाइस कंडक्टर से ये वही गाय है ना जो हमारे सामने डांस कर रही थी ट्रिप कर रही थी जब हम जा रहे थे तो कंडक्टर कहते हैं हाँ इसको किसी ने जो है किसी व्हीकल ने हिट कर दिया और अब ये मर गई है तो अब जो है गाइस वली बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है अब वली ने देख लिया गाय जो थोड़ी देर, देर पहले जो गाय बिल्कुल ठीक थी और वो ऐसे कूद रही थी इधर उधर वही गाय अब जो है मर चुकी है लाइफलेस है उसके लेग्स में कोई लाइफ नहीं है उसकी आइज़ लाइफलेस थी और सारे में ब्लड था तो अब वली डर जाती है परेशान हो जाती है और जब बस चल रही होती है तो अब वली जो है गाय चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है और बार बार उसको वो जो उसने सीन देखा ना हॉन्ट कर रहा था डर रही थी वो बार 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 वो जैसी सोच रही थी वो गाय के बारे में उसका कोई मन था इसकी बाहर क्या हो रहा है विंडो से बाहर वो नहीं दिखती है एंड फाइनली थ्री फोर्टी पे बस जो है पहुंच जाती है उसके विलेज वली खड़ी होती है स्ट्रेच हर सेल्फ एंड देन शी टर्न टू द कंडक्टर और कंडक्टर के पास जाती है अब उसको उतरने का टाइम आ जाता है विलेज वापस वो पहुंच चुकी है और कंडक्टर को बोलती है वेल सर आई होप टू सी यू अगेन सर फिर मिलते हैं उनको कहती है कंडक्टर को एंड कंडक्टर कहते हैं ओके मैडम तो देखो आप कंडक्टर बार मैडम कह रहे तभी चैप्टर का नाम है मैडम रही द बस तो कंडक्टर कहते हैं ओके मैडम ही आंसर हॉर स्माइलिंग स्माइलिंग तरीके से उसे आंसर करते हैं और कहते हैं उसे वेन एवर यू फील लाइक बस राइट कम अगेन एंड ज्वाइन जब भी आपका मन करे आप घूमने आ सकते हैं डोंट जैसे तो वो अपने घर आती है तो उसकी मम्मी उठ चुकी होती है ठीक है उसके घर पर गेस्ट आई होती है उसकी आंटी होती है जो साउथ स्ट्रीट में रहती है वो आई होती है आंटी और आंटी बहुत बड़ी चार्टर बॉक्स थी वो बहुत बातें करती थी तो वो आंटी और जैसी वल्ली घर आती है तो वो जो आंटी थी वो पूछती है वेयर हैव यू बीन तुम कहाँ थी बट वो पूछती थी बहुत कैजुअली है बस ऐसी पूछती हैं कहाँ थी तुम और अपनी बातों में लग जाती हैं तो वल्ली को पता था कि ये मुझसे रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं मैंने कुछ नहीं भी बोलूँगी तो ये ध्यान नहीं देंगी तो वली बस ऐसी हंस देती है तो आप समझे वल्ली से किसी ने नहीं, नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आई हो आंटी ने पूछा भी तो बहुत कैजुअली पूछा और फिर वो अपने बातों में लग पड़ी अब जो है आंटी उसकी मम्मी को कहती हैं वल्ली की आंटी जो है जो साउथ स्वीट से हैं वली की मम्मी को कहती

तो भाई आंटी बात कर रही थी मम्मी से वल्ली की और जवाब दे देती है वल्ली 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 तो तो जो जो है है की मम्मी पूछती है, क्या तुमने व्हाट डिड यू कहते नहीं मैं बस अग्री कर रही थी जो आप कह रहे थे ना कि हमारे आसपास में हमारे वर्ल्ड में काफी कुछ हमारे नॉलेज के बिना चल रहा था तो उसको बस अग्री कर रही थी तो कई सब आप इसका रीजन समझो कि क्यों वल्ली ओ यस एकदम से बोल पड़ती है वो इसलिए बोल पड़ती है क्योंकि वो अभी अभी बस की राइड करके आई थी और उसके घर में उसकी मम्मी को नहीं पता था कि वो राइड पर गई है तो तभी जब उसकी आंटी बोलती है ना हमारी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होता है

कॉन्वर्जेशन देखो इतनी छोटी सी बच्ची और हमारे बातों के बीच में बोल रही है जस्ट एज दो शी वर अ यंग ग्रोन लेडी जैसे कि कोई ये ग्रोन अप लेडी हो अब वहीं आप समझ जाओ वो कंडक्टर भी ऐसे ही कर रहे थे कंडक्टर भी बार बार क्या कर रहे थे उसको बोल रहे थे हमारी वल्ली को मैडम मैडम ग्रोन अप मैडम बार बार कह रहे थे अब जब उसकी आंटी कहती है ना कि कैसे हमारे बातों के बीच में बोल रही है जैसे ग्रोन लेडी तो वल्ली को हंसी आ जाती है वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ एंड वो नहीं चाहती थी कि उसके स्माइल का रीज़न उसकी मम्मी और उसकी आंटी समझे बट देन देर वॉज मच चांस ऑफ दैट और का कोई चांसेस भी नहीं थे क्यों क्योंकि वल्ली का सीक्रेट मिशन तो अब सक्सेसफुल हो चुका था वो तो बस के राइड लेकर आ भी चुकी थी और किसी को उसके बारे में पता नहीं चला था तो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर मैडम राइड्स द बस तो फाइनली हमारी मैडम वल्ली ने गाइस जो है अपनी बस राइड कर ली कंप्लीट वो जो इस घर के दरवाजे पे खड़ी होकर देखती थी ना कि कैसे जो है उसकी बिजी स्ट्रीट में लोग जा रहे हैं बस जा रहे हैं एक दिन उसके मन में विश हुई कि मुझे घूमने जाना है और वो विश उसने एकम्प्लिश कर ली तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको बाकी चैप्टर पढ़ने क्लास टेन इंग्लिश के एंड एस के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले गिवन है आप पढ़ सकते हो एंड अगर आपको नोट्स चाहिए ये सारी समरीज ये सारी स्लाइड्स चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इंग्लिश के एस के इन इवन साइंस के तो मेरी इंस्टाग्राम आई डी का लिंग इवन होन द स्टडी मटीरियल यू कैच अकाउट माइ इस्टाग्राम आई डी एंड प्ले लिस्ट गिवन है जहाँ से आप सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हो क्लास टेन एस एस टी के एंड इंग्लिश के एंड साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो देर तो विद दिस विदेस्ट ऑफ वर्क एन आर मीच इन द नेक्स्ट विक